नमस्कार, डेड आई न्यूज में आपका स्वागत है। पूरा देश 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। राजपथ से लेकर विजय पथ तक हर जगह झांकियां हमारी बहादुरी की किस्से सुनाती हैं। पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल रहता है, लेकिन इसकी नींव कब पड़ी आज हम इसके बारे में आपको बताते हैं। 26 नवंबर 1949, जी हाँ, यह तारीख बताना इसलिए आपको बहुत जरूरी है कि इसी दिन हमारी नींव पड़ी थी। 26 जनवरी को तो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन इसकी बुनियाद 26 नवंबर 1949 को पड़ी, जब इसे अधिनियमित किया गया। यहाँ पे हम आपको बता दें कि इसके पीछे एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, तब जाके ये अधिनियमित हो पाया। इस लंबी लड़ाई के लिए हमें थोड़ा सा पीछे मुड़के इतिहास में जाना होगा। जी हाँ, किसी भी नींव को जानने के लिए और उस पर बने मकान की हम खूबसूरती को तो निहारते हैं, लेकिन उसकी नींव को हम देखना भूल जाते हैं। तो आज हम बताते हैं आपको कि भारत जो 60 साल बाद भी दृढ़ता प्रतिष्ठा के साथ खड़ा है, उसके पीछे की नींव 26 नवंबर 1949 में ही है। भारत में संविधान के निर्माण के लिए सबसे पहली बार 1924 में इसका विचार आया, जिस विचार को 1946 में कैबिनेट मिशन के समय में संतुष्टि मिली। अब आपको बता दें कि यहाँ पे संतुष्टियों का मतलब ये होता है कि लोगों ने सोचा, विचार को आगे बढ़ाया और उसको स्वरूप दिया। 9 दिसंबर 1946 को इस संविधान सभा की पहली बैठक हुई, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा का विरोध किया, क्योंकि इस समय तक भारत में दो विभाजनों की बात शुरू हो चुकी थी, एक भारत एक पाकिस्तान। मुस्लिम लीग की यह मांग थी कि पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा हो, जबकि ब्रिटिश हुकूमत चाहती थी कि एक ही संविधान का निर्माण हो और वही दोनों देशों को दे दिया जाए। संविधान सभा की पहली कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ शुरू हुई। इस प्रस्ताव के साथ ही 22 जनवरी 1947 में इसको स्वीकृति मिली, जिसमें कई समितियां बनाई गई तथा उसमें विभिन्न समुदाय, संप्रदाय, राजनीतिक क्षेत्रों के लोगों को जोड़ा गया। इस सभा को एक प्रारूप, एक पूर्ण तरीके से किस प्रकार इसको पेपर पर उतारा जाए और वास्तविकता दी जा सके, इसके लिए बीएन राव ने संविधान का पूरा प्रारूप तैयार किया, जो कि 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प के रूप में पारित हुआ। पूरा देश और विश्व जिसे भारत का संविधान निर्माता के रूप यानी भीमराव अंबेडकर के रूप में जाना जाता है, उन्हें इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ही मार्गदर्शन के अंतर्गत कई सदस्यों ने मिलकर कई साल तक मेहनत करके एक प्रस्ताव तैयार किया, जिस पे संविधान सभा में पहली बार चर्चा 9 नवंबर 1948 को हुई। जी हाँ, 9 नवंबर 1948 यानी 46 से लेके 48 तक गहन विचार विमर्श के बाद एक प्रारूप को तय किया जा सका। इस प्रारूप समिति ने 229 प्रांतीय और देशी रियासतों को संख्या के बंटवारे से लेके हर उन गहन मुद्दों पर चर्चा की, जो कि बंटवारे के समय आसानी से हल हो सके, जिससे कोई विरोध ना उठ सके। प्रारूप समिति की इन सलाहों पे कई दौरों की बैठकें चली, करीबन 3 से 4 बार बड़ी बैठकें हुई और उसमें कई तरह के बदलाव करने के बाद एक वह दिन आ ही गया जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसे पारित किया गया। जिस समय ये पारित हुआ, उस समय संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जो कि वर्तमान समय में बढ़कर 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों के रूप ले चुकी हैं। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वह 24 जनवरी 1950 को हुई। जी हाँ, उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। ये सबसे बड़ी बात थी कि उस दिन भारत को अपना पहला राष्ट्रपति मिला। आपको यहाँ पे बताना जरूरी है कि 1946 यानी 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने अपने उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित हुआ, जो कि संविधान सभा के लिए प्रारूप और भारत के संविधान के निर्माण करने के लिए जो बातें थी वो क्या थी। इस प्रस्ताव में कहा गया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति
विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में, जिसकी तारीख 26 नवंबर 1949 है, को मिति माघ शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित करते हैं। यहाँ पे आपको बताना ये जरूरी हो जाता है कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करने का अर्थ यह है कि ये जो पहली लाइन है कि हम भारत के लोग, ये लाइन में ही पूरा राष्ट्र छिपा है। इसीलिए यहाँ कहा जाता है कि जनता शासन करती है, हम जनता ही पूरे देश को चलाती है, क्योंकि जनता ने ही संविधान का निर्माण किया है। आत्मसमर्पित का मतलब हम खुद को पूरे दिल से इस संविधान को समर्पित करते हैं, हम इसी के लिए बने हैं और इन्हीं के नियमों के तहत हम चलेंगे, जिसकी वजह से ही आज 60 साल बाद भी भारत सबसे मजबूत लोकतंत्र का हिस्सा है। भारत के लोकतंत्र पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है, क्योंकि जहां जितनी अधिक विभिन्न संस्कृति, सभ्यताएं, भाषा, बोली होने के बावजूद भी पूरा देश एक है। तो दोस्तों, इसीलिए डेली डायरी न्यूज की पूरी टीम पूरे देशवासियों की तरफ से 26 नवंबर की इस लड़ाई में शामिल हर एक शख्स और 26 नवंबर के बाद इसको तेजी के साथ विकास और एक सम्मान के रूप में याद दिलाने के लिए और पूरे देश में इस चीज के प्रसार के लिए जिन जिन लोगों ने मेहनत की, उनके हर एक चीज के लिए, उनके हर एक प्रयास के लिए और भारत की जनता के लिए धन्यवाद करती है। जय हिंद।